नमस्कार। पत्रिका के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। सहारनपुर में अभी भले ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा न की हो, लेकिन नामांकन प्रक्रिया यहां शुरू हो गई है। 21 जनवरी शुक्रवार से कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और इस बार कोरोना के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। जिलाधिकारी के अनुसार प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को ला सकेंगे और जिन 2 लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे उन्हें भी कोरोना की दोनों वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। नामांकन प्रक्रिया को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आइए जानते हैं सहारनपुर जिला निर्वाचन अधिकारी। देखिए, कल से यहाँ पे कलेक्ट्रेट स्थित जो भी न्यायालय कक्ष हैं उनमें नामांकन की कार्रवाई शुरू रहेगी। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन पत्र जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत करने की व्यवस्था इस बाद बनाई गई है। ऑनलाइन के बाद उनको अपना प्रिंटआउट लेकर फिजिकली भी यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर आरोग्य समक्ष पेश करना पड़ेगा। नामांकन करते समय जो उम्मीदवार है वो अपने साथ 2 लोगों को जो है यहाँ पर ला सकते हैं। इसी प्रकार जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो जो है 10 प्रस्तावकों के नाम अपने उसमें जो है नामांकन पत्र के साथ देंगे, पर एक कैंडिडेट के साथ 2 ही लोग जो है यहाँ पर नामांकन कक्ष में जो है प्रवेश करेंगे।